कौन कर रहा है सियासत, राम मंदिर पर या सनातन धर्म पर? खड़े हो जाइए। जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और दिखावे के लिए तिलक लगाते हैं, ऐसे ही लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे ही लोग भगवान राम के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विभीषण जी ने राम जी की सेना में गलत भेष धर के आए राक्षसों को पहचान लिया था, उसी तरह से प्रत्येक हिंदुओं के बीच में ऐसे गलत जनेऊ और तिलक लगाने वाले राक्षसों को जो दिखावे का नाटक कर रहे हैं उनको पहचान चुके हैं। अच्छा, कौन कर रहा है दिखावा और कौन असल में राम भक्त है अभी? प्राची जी, जो आपने अभी बात की डीएमके की बात हो, टीएमसी की बात हो, या एनसीपी की बात हो, या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात हो, ये सारे लोग शुरू से, आज से नहीं, कोई ये नई बात इनके लिए नहीं है। इन्होंने सदैव से राम जी का विरोध किया, हिंदुओं का विरोध किया, हिंदू धर्म ग्रंथों को बराबर अपमानित करने का काम किया। और इन लोगों की मति, जैसे अभी किसी ने कहा ना कि जिनको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना, तो ये शून्य होने वाले हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी खड़े हैं, और मैं नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अयोध्या में जो राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कल होना है और जो विकास की गंगा यहां पे बह रही है, उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। अच्छा प्रवीण गोस्वामी जी, क्या वाकई में राम को लेकर, कृष्ण को लेकर या सनातन धर्म को लेकर सियासत की जानी चाहिए? क्या धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए या मिलाकर बात करनी चाहिए? देखिए सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भगवान श्री राम का जो अश्वमेध घोड़ा है, जो चल पड़ा है वो रुकने वाला नहीं है। जो व्यक्ति उसको रोकने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। हम सनातनी जो है उनका उत्साह आप अयोध्या में देख सकते हैं, किस तरह से अयोध्या नगरी को दुल्हन की भांति सजाया गया है। हम सनातनियों का किस तरीके से उत्साह है। एक लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेरे दर पे आकर मैं मांगू तुझसे तुझी को, तेरे दर पे आकर मैं मांगू तुझसे तुझी को, क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई मुद्दा नहीं है। हम सनातनियों का भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जो लोग हम लोगों के भगवान श्री राम और कृष्ण के ऊपर टिप्पणी करते हैं वो लोग स्वयं मिट जाएंगे। एक और कहावत मैं बताता हूं कि त्रेता में और द्वापर में उस समय देवता भी थे तो उस समय दानव भी थे, उस समय अकासुर बकासुर की औलादें भी थी। जो आज हमारे भगवान श्री राम के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं वो लोग अकासुर बकासुर की औलाद है, आप ये तय मान लीजिए। अच्छा, ये सियासत बीजेपी कर रही है या विपक्ष कर रहा है राम पर? विपक्ष कर रहा है राम पर। जाकी रही भावना जैसी ता मुहूर्त देखी तुम जैसी, ये लोगों का विनाश सुनिश्चित है। और जो भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राम के कार्यों में जो भी विघ्न डालेंगे, या राजनीतिक से प्रेरित हो या अपने जातिगत से प्रेरित हो, वो कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या अयोध्या सनातन की राजधानी बन रही है? जी मैम, सनातन की राजधानी बन रही है। ये देश भर में ही नहीं, पूरे संसार में इसकी सरयू की धारा जो सनातन की धारा के रूप में बह रही है वो पूरे संसार में बह रही है। और मैं कुछ अपने शब्दों को इस तरह व्यक्त करना चाहूंगी कि छोड़ दो ये गलियारा सरयू की धारा, ए बाबर के समर्थकों, छोड़ दो ये गलियारा सरयू की धारा, याद करो कार सेवकों के बलिदान की धारा, हम है राम के और राम है हमारा। तो किसके हैं राम और कौन कर रहा है इस पर सियासत, कौन कर रहा है सियासत राम पर? राम पर सियासत तो देखिए मिलके काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये चारों, जैसे कि अभी सर ने जवाब दिया था कि अश्वमेघ का घोड़ा मतलब चल दिया है, और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को, योगी जी को, ठीक है, जिन्होंने शुरुआत करी है। उन्होंने शुरुआत तो करी है बाकी, लेकिन बाकी काम जनता का है हर काम। मतलब ये नहीं है कि मतलब मोदी जी पे डिपेंड होगा या योगी जी पे डिपेंड होगा, कुछ काम जनता का भी है, ठीक है। जो कहते हैं कि हिंदू मिट जाएगा, अब हिंदुओं को एक होने की जरूरत है और हिंदुओं को दिखानी है कि सबको, कि हम लोग एक हैं, ठीक है। हमारा हमेशा बहिष्कार हुआ किया गया है, 500 साल तक हमने बहुत सहा है। ये 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है और मंदिरों में जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है तमिलनाडु में। खड़े हो जाइए। हम अभी इस विषय में क्या मतलब है, राम का मतलब मंदिर बन रहा है और उसमें जो है सबकी श्रद्धा और सबका विश्वास मतलब पनप रहा है, और हम यही चाहेंगे कि सब राममय हैं और सबके अंदर राम वास करते हैं।